आप लोग इतिहास गवाह है, हम लोग बाकी लोग का पता नहीं है ना, हम नहीं बोलेगा। हमारा तो लॉ स्टूडेंट यूनियन का, हम लोग ज़्यादा इशू भी लेता नहीं है। जिस इशू को लेके जहाँ तक चैप्टर क्लोज नहीं होगा, हम लोग उसको छोड़ता नहीं है। आप इतिहास सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय व्यू। सबसे पहले तो ये कॉलेज ही गलती जगह में सेटिंग हुआ है, जगह ही ठीक नहीं है। और जो भी हो, कॉलेज तो सेटिंग हो गया, जगह भी कम है और यहाँ में बहुत सा कमी कती हमको मिल रहा है। और ये जितना भी, सबसे पहले हम बदनाम देगा, ये जो पहले जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बिल्डिंग बनाया है, कौन सा स्थल से बनाया हमको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ में आपका इंजीनियर वो इन लोग बनाया है ना, पब्लिक लोग जहाँ था अपना मर्जी से बनाया, कोई भी चीज़ सिस्टम से नहीं बनाया है। डिजाइन ठीक नहीं है यहाँ का, कोई भी एजेंसी हो ना, कौन बनाया वो मालूम नहीं है, लेकिन कोई भी एजेंसी उसको लेके बनाया है, ये एकदम। और सर, आपका मतलब है कि यहाँ एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर से बनाया गया वो सही नहीं, सिस्टम से नहीं है। सर, जो आज आपको जो यहाँ का जितने लोग कॉलेज का जो यूनियन है, वो आपको कुछ मेमोरेंडम सबमिट किया हुआ है, क्या उनके बारे में आपको क्या क्या मेमोरेंडम में मेंशन किया है, क्या आप बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं। यहाँ में कमी कती तो बहुत है, फिर भी तो प्रायोरिटी में भाई ने बताया, यहाँ का सबसे पहले इलेक्ट्रिफिकेशन है और आपका वाटर का प्रॉब्लम है, उसका बाद गर्ल्स हॉस्टल का है, बॉयज़ हॉस्टल का है, और ये प्लेग्राउंड है, और बहुत सा ये जैसे कि टॉयलेट है, आपका कॉमन टॉयलेट है, वो कॉमन टॉयलेट में वेस्टर्न टॉयलेट बना के रखा है, उसको आपका साफ सफाई के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, तो सिस्टम से भी नहीं हो रहा है, लड़की लेकर भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ में बहुत कमी करती है। तो हम यहाँ से जाके गवर्नमेंट को वही अप्राइज करेगा कि रिक्वेस्ट करेगा उसको थोड़ा लुंगली एक जूते लो कॉलेज है, हम लोग स्टेट का लुंगली एक गवर्नमेंट कॉलेज है, लो कॉलेज है, उसको थोड़ा नज़रअंदाज नहीं करने से ठीक है, थोड़ा ध्यान देने से ठीक है। सर, जैसे कि हम लोग ये विजिट करते समय जो यहाँ का गर्ल्स हॉस्टल है, उनमें भी पाया गया कि जो ट्रांसपेरेंसी जो ग्लास लगाया गया, गर्ल्स की भी बहुत कंप्लेन है जो वहाँ देखने वाले, साथ साथ जो बॉयज है बहुत रूम छोटा होने के कारण जो उसमें जो मिलना चाहिए उनको फैसिलिटी इतना सफिशेंट नहीं होना। आप कहते हैं कि ये कॉलेज ही गलत जगह बनाया गया, आपका कहने का मतलब क्या है, आप इसको बीच में बताना चाहेंगे? कॉलेज इसलिए गलत जगह बनाया है कि यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि यहाँ में आगा टावर ही नहीं है, लड़का लोग तो डेली आपका सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जो डेली जो लो केस है ना,
साइटेशन को पढ़ना पड़ेगा ना, उसे अपडेट लेना पड़ेगा। यह टावर ही नहीं है, नेटवर्क ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए हम बोला ये जगह ही गलत है। सर सर आपका फादर मूव क्या रहेगा? हम फादर हम तो बेसिक एमिनिटीज स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए हम लोग वुमेन को रिक्वेस्ट करेगा, एप्राइज करेगा कि जैसे कि आप या बड़ा से बड़ा ही भी है, छोटा से छोटा भी है। अभी तो घर तो बना के रख लिया लेकिन घर सिस्टम से नहीं है, उसको तो डायरेक्ट बना बोले। गवर्नमेंट का भी इतना फान नहीं होता है, लेकिन जो चीज़ बेसिक है लड़का लोग का अभी जो कर सकता है कॉलेज का मेंटेनेंस, जैसे कि बास एक है ना, एक बास तो नहीं हो रहा है तो कम से कम दो बास तो दो ना यहाँ में। उसका बाद बास का पार्किंग को देखो, आपको दिखाया है बास का पार्किंग को, जो पार्किंग लॉज को कम से कम अच्छा से बना दो। और पास भी सुनने में आया है कि लड़का लोग ही पैसा दे के ड्राइवर को भी पेमेंट करता है बोला, तो हम देखेगा उसमें बास किस लिए ड्राइवर सेंक्शन नहीं हुआ है एक कॉलेज के लिए, उसको हम देखेगा। और आपका हॉस्टल में देखा है सबसे बॉयज और गर्ल्स को एक साथ खाना खिला रहा है, वो तो हम कंडेमनेबल है। एक खाना में एक सेपरेट होना है ना, आप जनता है लड़का लोग किसे खाता है, लड़की लोग किसे खाता है, तो दिल से तो कुल के लड़की लोग नहीं खा सकेगा ना। और उसका बाद आपका कोक मैन है, सुनने में आया वो भी आप पैसा दे के लड़का लोग पेमेंट करके कोक मैन को पेमेंट करके, वो भी सिंगल लड़की और लड़का है, डाइनिंग टेबल एक है, वो सबसे खराब है। उसको हम यहाँ अथॉरिटी को, यहाँ का कॉलेज अथॉरिटी को हम रिक्वेस्ट करेगा, आप दरख्वास्त करेगा कि आप सेपरेट आप किचन बना दीजिए और सेपरेट खाना को मेज को सेपरेट बना दीजिए वो सब। उसका बाद इंटेक कैपेसिटी को भी बढ़ाने से ठीक है, इंटेक कैपेसिटी भी कम है। और लड़की का तो ट्रांसपेरेंट है, उसको थोड़ा कुछ पर्दा सदा थोड़ा एडवाइस करना है। और बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल दूर में होना है, एक साथ में है स्टाफ चीज मैंने मजा नहीं है मैंने। सर ये मुद्दा को आपके जो पीपल्स हैं यहाँ का स्टूडेंट और साथों साथ जो अरुणाचल की पब्लिक हो, आप उनको क्या एश्योरेंस देना चाहेंगे कि इसको कम्प्लीटली आप कब तक करवा देगा? क्योंकि आप सब जानते हैं कि अरुणाचल अभी ऐसा एक स्टेट हो गया कि जहाँ यूनियन ही हर जगह यूनियन ही यूनियन है, जिससे हर कोई यहाँ यूनियन को कोई नज़रअंदाज कर लेता है। वही है, आप लोग इतिहास गवाह है, हम लोग बाकी लोग का पता नहीं है ना, हम नहीं बोलेगा हमारा तो लोअर स्टूडेंट यूनियन का, हम लोग ज़्यादा इशू भी लेता नहीं है। जिस इशू को लेके जहाँ तक चैप्टर क्लोज नहीं होगा हम लोग उसको छोड़ता नहीं है। आप इतिहास गवाह है, पीआरसी इशू को भी आप देखा है, परमानेंट स्क्रिप हुआ है, लेकिन उसमें है पीआरसी इशू में हम आज भी बोल रहा है कुछ चीज़ छूट गया। वही एश्योरेंस है कि हम जब तक या हमारा जो हमारा जो लड़का लोग है ये एग्जीक्यूटिव है, हम लोग आज जो यहाँ में आया है और हम लोग ये इशू को कभी नहीं छोड़ेगा। और बाद में भी आप पूछ सकता है, हम ये नहीं बोल रहा है कि हम गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेगा, प्रेशराइज को हम कभी उसको पीछे नहीं आतेगा, लेकिन हम तो अथॉरिटी नहीं है, सेंक्शन तो नहीं कर सकता है, लेकिन अथॉरिटी को हम बोलते रहेगा और जब तक नहीं होगा तब तक बोलते रहेगा। और ये मतलब हम नहीं छोड़ रहे हैं ना। मेरा नाम डॉक्टर मीजुम यादू, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे या JGLC में पढ़ा रहा हूँ। सर पर्टिकुलर कौन सा सब्जेक्ट को है? इस बार मैंने CRPC पढ़ाया है, एविडेंस भी पढ़ा रहा हूँ और लॉ ऑफ थॉट्स भी पढ़ा रहा हूँ। सर रिगार्डिंग जो आज यहाँ जो टीम आज या आपके कॉलेज में विजिटिंग के लिए आया गया था, उनके बारे में आप क्या जानते हैं? इसका इन्फॉर्मेशन कल रात को ही हम लोग को मिला था कि इन लोग आ रहे हैं। वैसे फिर हमको बताया गया कि हमारा प्रिंसिपल ने डिफर किया था अभी क्योंकि वो ड्यूटी लीव पे है, तो और हम लोगों का अभी प्रेजेंटेशन चल रहा है, ये दिस अ पार्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन, उसको ऐड किया जाएगा इन टोटल, तो इसीलिए हम लोग वही पे वो था क्योंकि और फर्दर ऑर्डर नहीं है हमारा प्रिंसिपल से, सो देयरफॉर वी आर बिजी इन दिस प्रेजेंटेशन। सर टीम आल्सो का ये मानना था कि आप फैकल्टी लोग कोई सपोर्ट नहीं किया आज का विजिटिंग टूर, जो इंटरसेक्शन को विजिट करते यहाँ का स्कूल का जो क्या क्या स्कर्सिटी को लेके, इसमें कोई यहाँ का फैकल्टी का साथ नहीं मिला, उनका ये कहना था? नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग को अगर कोई भी चीज़ इफ़ दे वांट टू नो वी आर रेडी टू टेल देम, लेकिन बात ये कि आज हमारा कोई ऑफ नहीं था और प्रिंसिपल ने भी हम लोगों को इंटीमेट नहीं किया और वो भी अभी बाहर है, इसीलिए उसने भी आई थिंक उसको डिफर किया था कि मंडे तक आने के लिए, देन ही विल बी अवेलेबल। तो इसीलिए हम लोग इसमें ऐसा नहीं कि हम लोग कोऑपरेट नहीं करता है ऐसा नहीं है। और सर टीम आल्सो का कहना है कि यहाँ जब विजिट के लिए आया तो यहाँ बहुत सब चीज़ में कमी पाया गया, आपका इलेक्ट्रिक में कमी पाया गया, नेटवर्क सिस्टम में कमी पाया गया, यहाँ का टॉयलेट बाथरूम और मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हर चीज़ में कमी है। उनका ये भी कहना है कि ये कॉलेज गलत जगह में बनाए हुए हैं, इस बारे में आपको क्या राय है?
ये तो बहुत अहम मुद्दा उठाया आलसू वाले ने। पहले से ही हमें लग रहा है कि जो हायर इंस्टीट्यूट हायर एजुकेशन है इसको दूर दराज में बनाना, आई थिंक देर इज़ अ फॉल्स इन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि हमको ये लगता है कि जब हमारा प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, स्टूडेंट वहाँ पहुँच नहीं पाएगा, तो वहाँ पर बड़ा चरा बना के भी ठीक नहीं है। तो हमारा तो ये मानना है कि ये तो बहुत अच्छा मुद्दा है और आई थिंक इसको गलत जगह पे, इन द सेंस मीन्स प्रॉपर अगर रोड कनेक्टिविटी नहीं है तो उस जगह पे नहीं बनाना चाहिए। कोई भी इंस्टीट्यूट एक्सेसिबल होना चाहिए स्टूडेंट के लिए, जब चाहे कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके वहाँ पे पहुँचना चाहिए। एंड दैट्स व्हाट आई फील कि ये यहाँ पे नहीं है। और रोड का कनेक्टिविटी तो आपने देखा ही होगा, यार बहुत ही दिक्कत है। एंड आई ऑल्सो अप्रिशिएट दैट सरकार ने इसके लिए अभी फर्स्ट स्टेट हाईवे लोग या इसको घोषित किया है एंड दे हैव स्टार्टेड वर्किंग, लेकिन आई थिंक इट विल टेक टाइम, कुछ समय तो लग जाएगा इसका। ओके, थैंक यू फॉर दिस प्रिविलेज गिवन बाय द आलसू टीम। दिस इज मिस्टर लिका टेक, द रिप्रेजेंटेटिव जनरल सेक्रेटरी ऑफ जर्बम गामलिन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज। एंड टुडे हियर आई एम लाइक टू extend my heartfelt gratitude to all the ALSU team and headed by this General Secretary and President. And also I extend my heartfelt gratitude to the media team for visiting our college. And the whatever the grievances here we are facing in this college that I have already placed before this ALSU team, and we the students of all Jabang Gamlin will are firmly believe that they will take this matter into the competent authority, and we will waiting for the new changes and transformations within their tenure. And thank you so much.